2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है देश पता नहीं किस दिशा की ओर जा रहा है, ये चिंता। भाई साहब इसका नाम जो है ना रूबिका लियाकत है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो ये जानते हैं कि नहीं ये चाटुकारिता की रानी है, ये जानते हैं ना? मालूम है। तब ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब क्या बोल रहे थे? हाँ, इसका नाम रूबिका लियाकत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। अरे तू चुप रे, तू मत बता, हम है नहीं यहाँ पर। तू और बाकी तो आप बताइए दी कि चाटुकारिता की रानी है। पहले आप ये वीडियो देखिए, आप उसके बाद बताता हूँ। थोड़ी संभाल है, कई जगह घटना हुई है ऐसी, आपसी संवाद कर लिया है। वो सब हिंदुस्तान में नहीं है, वो विश्व भर में है। इस तरीके की एग्जांपल आपको सब जगह है, यहाँ बढ़ोतरी हुई है। ये कह देना कि नहीं, ये तो जल रहा है देश, खत्म हो गया है देश, कौन माने? और चिंतनीय है, और हमको तो भाई डर है कहीं हम श्रीलंका की तरफ ना। नहीं लगता है, श्रीलंका अगर हमारी तरफ अग्रसर होता, चीन की तरफ अग्रसर ना होता, तो आज वो उस हालत में ना हो। चिंतनीय विषय है ये, चिंतनीय है। पर आप कभी भी श्रीलंका नहीं बनेंगे, आप कभी श्रीलंका नहीं बनेंगे, ये मान लीजिए आप। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, लेकिन देखिए अभी भारत की स्थिति है, वो चाहते हैं कि श्रीलंका बन जाए। भाई साहब ये कह रहा है कि 2014 से पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो देश में दंगा फसाद नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा होता है। जिसमें रूबिका लियाकत कह रही है कि कहाँ होता है दंगा फसाद, कहाँ होता है, ये तो आपस में बातचीत होती रहती है। अरे भाई आपस में बहस हो सकती है, मार काट थोड़ी, संवाद। और दंगा फसाद होबो करता है तो ये आम बात है, हर देश में होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, वो विश्व भर में है। इस तरीके की एग्जांपल आप। इसी बात पे भाई साहब ने कहा कि हमारे देश में ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए, जिससे रूबिका लियाकत का आंख ताई से फट के चार बन गया एकदम। आप कभी भी श्रीलंका नहीं बनेंगे, ये मान लीजिए आप। जो भाई साहब काहे कि लोग तो जानते हैं श्रीलंका में मोदी मीडिया को, गोदी मीडिया को, कभी कभी मिस्टेक मुझसे निकल जाता, तो वो गोदी मीडिया को बहुत धुलाई किया था भाई साहब। तो जैसे ही सुनता है श्रीलंका की बात रूबिका लियाकत, आँख से तो पसीना निकल जाता, मत पूछिए भाई साहब। श्रीलंका कैसे, मुझे ये समझाइए ना, मुझे ये इस बात से दिक्कत हुई। मगर क्यों भाई साहब, हम बता रहे हैं ना, दरअसल में वहाँ जो है ना गोदी मीडिया को बहुत ठुकाई किया था और सब गोदी मीडिया की हालत खराब हो गया था, इसलिए बेचारी बहुत डर रही। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नया आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।